अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैंने पिछली बार आपको फोन किया तो टाइम खत्म हो गया था, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया था। तो आप आज फिर सवाल कर ले, इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ कि मैं सॉरी हूँ कि क्या करूँ, कोशिश तो करता हूँ सबके सवाल के जवाब देने की। तो आज मुझे दोबारा अपने सवाल पेश करें। वो जो है ना, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, आपका जो है दालचीनी और अदरक का मैं कहवा बना के पी रही हूँ, और मेथी दाना उसको और अंजीर को भिगो के सुबह उसका पानी पीती हूँ। वेरी गुड। कितने दिन हो गए? और 3 महीने से ज्यादा हो गए, मैं बस यही अपनी जिंदगी का रूटीन बना लिया, यही कुछ पीना। तो इससे आपको फायदा हो रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी चेक करती हूँ, लेकिन नॉर्मल, अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ, लेकिन कभी डिप्रेशन होता है तो हाई हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। नहीं, इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत फायदा देगा। लेकिन मेथी दाना जो है इसको आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ इंजीर जो है ना एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल किया करें। अच्छा, क्योंकि इंजीर ज्यादा इस्तेमाल करने से भी इस हाल यानी कि आपको मोशन हो जाते हैं। नहीं, वो मैं हर रोज नहीं करती हूँ, हफ्ते में 2 बार। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है? इकबाल बेगम, मैं आपके नजदीक से बोल रही हूँ। कहाँ से? नजदीक से बर्मिंगम से ही हूँ। अच्छा, हम तो यहाँ लंदन में है, इस्लाम चैनल माशाल्लाह। अभी तो माशाल्लाह वहाँ है। इकबाल बेगम का बर्मिंगम से। मैंने आपने बताया मुझे जी, पाँव के नाखून है, इसके बारे में नहीं बताया, ये काले हो गए हैं। पाँव के नाखून काले हो गए? जी। दोनों पाँव के, एक के नहीं, दोनों के हैं। कोई 6 महीने हो गए, मैं जो लेमन है वो उसको मैं रगड़ती रहती हूँ उसे। ठीक है, तो बाकी दबाने से वो खून उसका महसूस होता है या सिर्फ ऊपर से नाखून काले हो गए? बस ऊपर से नाखून काले हैं। बस आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। इकबाल बेगम बर्मिंगम से, और ये भी हमारी बता रही थी, ये शिकवाई कर रही थी कि पिछली दफ़ा मैंने कॉल की थी और मेरा जवाब नहीं दे सके थे। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आज इनके सवाल का जवाब कि इकबाल बेगम बर्मिंगम से, इनको हाई ब्लड प्रेशर भी है और इनके बाल भी गिर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है इनके पाँव के नाखून जो है, सॉरी, हाई ब्लड प्रेशर भी है और इनके पाँव के नाखून भी काले हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करें? देखिए जी, पाँव के नाखून, हाई ब्लड प्रेशर के लिए दारचीनी का कहवा बहुत मुफीद है। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर, यकीन जानिए उसके साथ साथ अगर सुबह नहार मुंह एक लहसुन खा लिया करें। जिनको ब्लड प्रेशर, जिनका नॉर्मल नहीं रहता है, हाई रहता है, लो रहता है, सुबह नहार मुंह एक तूरी लहसुन, यानी एक लहसुन की डिली, लेकिन ऑर्गेनिक होनी चाहिए। अगर आपको शुगर है तो फिर शायद ना डालें, बल्कि सुबह नहार मुंह उस लहसुन को जो है सिनेमन का पानी बनाकर उसके साथ खा लें, तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके जो है ना कुव्वत मुदाफियत भी बड़ी मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके साथ साथ पाँव के नाखून काले हो रहे हैं, तो पाँव के नाखूनों के लिए आपको मैं बताऊं, जिनके भी नाखून ख़राब हो रहे हैं या नाखूनों में फंगस हो गई है, तो अब उसके लिए क्या करें, नींबू ले लें, शहद ले लें और इसका सिरका ले लें, किसका, ये एप्पल विनीगर, ये जो है ये ले लें। ये तीनों चीज़ों को हम वजन करें, तीनों को मिक्स करें और अपने नाखूनों को दिन में कम से कम भी 2 वक्त इस्तेमाल करें, उनको अच्छी तरीके से जो नींबू है, नींबू का जो यानी इसको हाफ काटें और नींबू ही के साथ उसको लगा कर जहाँ पर नाखूनों में फंगस है, नाखून काले हो रहे हैं, उसको खूब अच्छी तरीके से वहां रगड़ें, उसको लगाकर छोड़ दें। ये रोजाना करें, दिन में 2 दफा करें और हफ्ते में, ये एक हफ्ता आप करें, अगले 7 दिनों मुझे बताएं कि इंशाल्लाह आपके, और उसके बाद क्या करें, उसके बाद जो है इसके ऊपर जैतून का तेल लगा दें, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह नाखून भी खूबसूरत हो जाएंगे, साफ सुथरे भी हो जाएंगे, और अगर वहां फंगस वगैरह भी होगा तो इंशाल्लाह वो भी साफ हो जाएगा।